खेलता है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सभी? अल्लाह के रहमत से आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो यहाँ पर है ना, मतलब मेरे हस्बैंड बाहर से आ गए थे और है ना, वो उसके हाथ में देखो क्या था, मैं आपको बताती हूँ। तो ये फॉस्टर क्लॉक का ना जेली है, तो ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दो तीन दिन से बोल रहा था उसे खाना है, तो उसके अब लेकर आ गए हैं। और यहाँ पर है ना मेरी अम्मी भी आ गए, मतलब आ गए के जाने वाले मैं कैसे जाने ही वाले बाहर, मैं भी ध्यान नहीं है उसका। और यहाँ पर मेरी बेटी ना बैठ के उसकी आंटी के साथ ना मोबाइल में क्या कर रही है अल्लाह को मालूम। ये लड़की बड़ी चालाक हो गई है, समझ में आया? इतनी चालाकी वो घर पे रह के करती है यार। वहाँ पे दो भाई लोग कर रहे हैं झगड़ा और ये इसकी आंटी के साथ कर रही है मोबाइल में, पता नहीं क्या, मतलब बच्चे लोग का ये लगा ही रहता है। तो यहाँ पर अम्मी डिसाइड कर रहे हैं और यहाँ पर मेरे बच्चे लोग का हालत थोड़ा सा ख़राब लग रहा है आपको। एक्चुअली नहीं, मेरे दो लड़के तो ठीक ही लग रहे हैं, पर मेरी बेटी का हालत ऐसा है कि उसका हालत भी ठीक ही था दोपहर तक का, ठीक है। और यहाँ पर अम्मी जाने वाले हैं, तो पैसा देके मुझे पता चला अम्मी बाहर जाने वाले हैं अभी। तो यहाँ पर अम्मी देखिए हम हमारे को पैसा दिखा रहे हैं। ऐसे तो हमारे के हाथ में पैसा देते नहीं है, पर आज देख के मम्मी पूछ रहे थे हमारा बोलते क्या है, तो मैं भी बोल रही थी हमारा क्या है, तो उसको समझ में आ रहा था ये पैसा है। मतलब हमारे के हाथ में क्या है? हमारा हमारा हाथ में क्या है? दो टका दो, दो मुँह के टका मुँह दो, इटू दो इटू दो टका, चॉकलेट नहीं आशी ना अम्मू है बोलेन चलो चले गए नानू, आए हूँ वो चले गए, नानू चले गए, रख के चले गए। हुमायरा ए हुमायरा रो, अभी रो, अभी नहीं रो के दिखाएगी। हुमायरा ये कौन है रे, हंस रहा है रो रहा है तो यहाँ पर बच्चे लोग मिलके उसके आंटी के साथ क्या मोबाइल में कुछ तो देख रहे हैं। और यहाँ पर अम्मी भी बाहर से आ गए थे, तो यहाँ पर अम्मी ना बोर लेकर आए हैं, बोर और इसे बांग्ला में बोरी बोलते हैं, तो ये लेके आए थे। तो ये थोड़ा खट्टा और थोड़ा मीठा सा है, तो ये जस्ट खाएंगे हम। और हमारा का मतलब मुँह का एक्सप्रेशन देखो ना, मानो वो खाती है और कसा कसा करती, देखिए मतलब उसका एक मतलब मुँह का एकदम हाफ भाव भी चेंज हो जाता है। और ना हम लोग ना मिर्ची और है ना चिली फ्लेक्स और नमक लेके खा रहे थे, और इतनी मानो ये अजीब है ये लड़की, कैसे जो खा सकते मुझे वही समझ में नहीं आता है, ताज्जुब होता है। देखिए यहाँ पर अम्मी लेके खा रहे हैं, और यहाँ पर ना अम्मी भी बहुत ज़्यादा खट्टा खा सकते हैं, सच्ची बता रहा। अम्मी इतना सारा मिर्ची लेके खा रहे हैं, साथ में उसका देखा देखी ना हमारा भी मिर्ची लेके खा रही है, और बाद में वो जो चिल्लाती है मतलब पानी के लिए, अभी देखिएगा वो खाएगी और चिल्लाएगी। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड भी मानो खा रहे और मतलब मोबाइल देख रहे, मतलब सब लोग ही अपने मतलब बोर खाने में मस्त है। मैं ठंडी पड़ गया तो बोर आ गया, बेर आ गया, मैं बोर बोलती हूँ इंडिया में, बेर बोलते हैं यहाँ पर, बोरी बोलते, हर एक बात अलग अलग है, पर टेस्ट सबका मतलब एक ही है। मतलब यार ये ना खट्टा खट्टा नहीं है, ये थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा, तो चटपटा जैसा बनता है अगर इसे थोड़ा मिर्ची के साथ नमक के साथ मिला के खाएंगे तो। किसकी किसी मुँह में पानी आ रहा है मुझे कमेंट में ज़रूर बोलना। और जो अब तक मेरी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल के साथ जुड़े, और मेरे चैनल को प्लीज़ एक लाइक करें कि इसकी इससे मेरा जो वीडियो दूसरे के पास भी पहुंच सके। तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे कमेंट करके बोले कि किसको मेरी वीडियो पसंद है। और यहाँ पे हुमायरा और अभी झाल लगा, झाल झाल लग रहा है।
उसके मुंह से बड़ा तो मग लेके आप तो यहाँ पर शाम का टाइम हो गया था तो बच्चे ने बोले तो कुछ खाना है, भूख लगा है अम्मू। तो घर पे आलू रखे हुए थे, नए आलू खासकर, तो नए आलू का ना फ्रेंच फ्राई बहुत ही अच्छा बनता है, क्रिस्पी बनता है बहुत अच्छा। तो सोचा कि लो फ्रेंच फ्राइज ही बना दिया जाए, बहुत दिन से ना फ्रेंच फ्राइज हम लोग बना भी नहीं रहे थे क्योंकि तेल का दाम इतना हो गया था और आलू तो फ्राई करने तेल ही लगेगा ज़्यादा करके। और तेल का पता है यहाँ पर बांग्लादेश में दाम 1 लीटर 200 टाका हो गया था, तो इस वजह से नहीं बनाना हो रहा था, इस वजह से भी समझ जाइए। तो चलो अब क्या कर सकते हैं, बच्चे लोग रहते पैसा दिख नहीं सकते ना हम लोग। तो यहाँ पे ना मैं ना यहाँ पर लोग के लिए फ्रेंच फ्राइज बना दे रहा हूँ, थोड़ा ज़्यादा क्रिस्पी होने के लिए ना यहाँ पर मैं कॉर्नफ्लावर भी मिलाया कि ठंडी में ना गैस ही नहीं रहता है यहाँ पर। अब मतलब गैस मतलब गर्मी में भी नहीं रहता है, पर गर्मी में थोड़ा कम जाता है, पर ठंडी में ऐसा हो गया है कि गैस है ही नहीं। मानो सुबह अगर मैं 6 बजे भी उठ जाऊँ ना तो गैस इतना स्लो होता है, इतना स्लो होता है कि हम लोग रोटी भी बना नहीं सकते। और रात में बोले कि रात शाम में भी नहीं होता, सीधा रात में 10 बजे के बाद गैस आता है, तो इतना प्रॉब्लम होता है। मतलब ना बांग्लादेश में ढाका में खासकर जो लाइन का गैस होता है ना तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। तो हम लोग ने क्या किया, एक सिलेंडर गैस ले लिया और जो फ्रेंच फ्राइज है ना एक सिलेंडर गैस में ही अपना एक चूल्हा हमने खरीद लिया था, उसमें ही हम यहाँ पर क्या करते फ्राई करके बच्चे लोगों को खिला दे रही, वरना और बच्चे लोग के मतलब नसीब में मतलब कुछ नहीं जुटता है। तो यहाँ पर है ना बच्चे लोग खाना जैसे ही लेकर आए वैसे ही खाना स्टार्ट कर दिए उन लोग, और लोग है ना बहुत ज़्यादा खुश थे। मतलब इतने दिन के बाद लोग फ्रेंच फ्राइज खा रहे थे, उन लोगों का रिएक्शन ही मतलब अलग सा था एकदम। और यहाँ पर बैठ के चलो मेरे बच्चे तीनों जन खा रहे हैं, माने अब मेरे तीनों बच्चे खा सकते। पिछले साल तो हमारा नहीं खा सकती थी ठंडी में, मैं कुछ भी बना, पर इस साल माशाल्लाह मेरे बच्चे लोग की दुआ करना, मेरे बच्चे लोग तीनों जन माशाल्लाह खाते अच्छा खाते, पर इतना प्रॉब्लम है लोगों का खाना लेके। मतलब लोग साग भाजी कुछ नहीं खाते, बस अल्फ फालतू चीज़ें तो वही अच्छे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते किसी और वीडियो में किसी और व्लॉग के साथ। इतने देर तक मेरे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया, मिलते किसी और वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।